कई बार आपने देखा होगा लोगों में खुट खुट के शक्ति भरी हुई है, लेकिन वो आदमी सक्सेसफुल नहीं है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे बहुत पढ़ लिख लिया लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं है। आपने ऐसे भी देखे होंगे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन साला करोड़पति बन गया। ऐसे भी देखे होंगे आपने। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये एक्चुअली ये आता कहां से है, ये सब ढूंढा कहां से और किस तरह से आ सकता है? देखो, एक थियरी है कि दुनिया में जितनी इनकम जनरेट हो रही है ना, या अपन इंडिया की बात करें, चलो इंडिया में जितनी इनकम जनरेट हो रही है, तो दुनिया में इंडिया में जितनी इनकम जनरेट हो रही है, जितने पैसे जनरेट हो रहे हैं, तो 1% इनकम, 100 रुपया निकला तो 100 रुपए में से 1 रुपया, 1% इनकम 99% लोगों के घरों में जाता है और 99% रुपया 1% के घर पे जाता है। 1% पैसा, 1% रुपया 99% लोगों के पास जाता है, राइट? और 99% रुपया 1% के पास जाता है, यस और नो? तो आपको क्या लगता है ये 1% में और ये 99% में क्या फर्क है? क्या ये लोग सोने चांदी की चम्मच से जन्म लिया? इन्होंने इन्होंने सक्सेस के रहस्य को ढूंढ लिया, या तो काम करते करते, या तो फिर किसी ने ढूंढा हुआ है और वो जाके उधर बैठ गए और उनको समझ में आ गया, फ्लरिश हो गया। आज मैंने ऐसे बच्चे हमारे यहां पर तैयार हुए हैं। सूरत में एक मेरा दोस्त है, इसी तरह से आया हुआ था मेरे एक वर्कशॉप के अंदर में। जब भी वो वर्कशॉप के अंदर में बैठा था, एट दैट टाइम हिज इनकम वॉज 5,000 रुपीज। और अभी जो एक इवेंट आप यहां पर देख रहे थे, उसमें 3,000 लोग थे उस इवेंट में, और उस इवेंट के अंदर भी वो बैठा हुआ था। और वहां उसने एक संस्था के बहुत बड़े लोगों को हमने बुलाया था, जो समाज सेवा संस्था है, आप लोग सब लोग जानते हैं, प्रकाश आमटे जी, डॉक्टर प्रकाश आमटे, जानते हो ना, नाम सुना आपने। तो डॉक्टर प्रकाश आमटे को भी हमने उस इवेंट के अंदर में एक बार बुलाया हुआ था। तो डॉक्टर प्रकाश आमटे जी है, उनकी स्पीच सुनने के बाद में एक बंदा खड़ा हो गया और खड़ा होके बोला 5 लाख रुपए का डोनेशन मेरे को ये संस्था को देना है, डॉक्टर आमटे साहब को मेरे को देना है, एंड ही हैज डोनेटेड 5 लाख रुपीज। ये कौन आदमी मालूम है? 6 साल पहले मेरे वर्कशॉप में बैठा था, एट दैट टाइम हिज सैलरी वॉज 5,000 रुपीज। जिसकी एनुअल इनकम 60,000 रुपया है, वो आदमी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज का डोनेशन आज लिखा रहा है 6 साल के बाद। तो क्या फर्क पड़ा बताओ मेरे को? उसको ये चीज समझ में आ गई कि हम 99% में है, अगर मेरे को मेरा लेवल चेंज करना है, मुझे इस लेवल के अंदर में आना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप जानना चाहोगे कि ये 1% लोग कौन है और उनकी सोच क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग, चलो पहले तो थोड़ा पार्टिसिपेट करो, दुनिया का सबसे बड़ा रोग आप कौन सा मानते हो? दुनिया का सबसे बड़ा रोग आप कौन किसको मानते हो? हाँ, कैंसर, चलो और एड्स, चलो और दुनिया का सबसे बड़ा रोग, बस दो में खत्म हो गए। मानसिकता, यस, टेंशन, यस। तो टेंशन बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि हार्ट, राइट, हार्ट अटैक। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है मालूम है? जो सक्सेस के रिलेटेड मैं बता रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बस लोग क्या कहेंगे, हम उसमें मरे जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? मैंने ये किया तो लोग ये बोलेंगे, मैंने वो किया तो लोग ये बोले। लोग, आप अगर लोगों की बातों पे जाओगे ना, एक गांव था और उस गांव के अंदर में एक मेला लगा था, और क्या था, वहां से उस मेले में से 4 गांव दूर से एक आदमी आया था उसके बेटे के साथ,
उनको लेना था एक टट्टू लेना था। टट्टू जानते हो आप, घोड़ा ना गधे के बीच में होता है वो। तो उन्होंने एक टट्टू परचेस किया। अब वो टट्टू को लेके वो जा रहे थे, एक गांव पास हुआ तो पहले गांव जैसे ही पास हुआ सारे गांव वाले लोग हंस रहे। तो इसने जाके पूछा, बाप और बेटे ने पूछा किसी को, भाई साहब ये सारे गांव वाले क्यों हंस रहे थे? बोले लोग इसलिए हंस रहे थे कि तुम्हारे पास में ये टट्टू है और तुम पैदल चल रहे हो, तो इसको लिया काहे को। सो बाप बेटे सोचे बात तो सही कर रहा है, तो दोनों चढ़ बैठे टट्टू पे। अगला गांव आया, अगला गांव वाले सारे लोग एकदम, ये क्या ये क्या ये क्या, मतलब ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? किसी को जाके पूछा, भाई साहब पूरा गांव क्यों ऐसे ऐसे कर रहा है? बोला एक छोटा सा जीव और उसके ऊपर बाप और बेटे दोनों चढ़ बैठे, शर्म नहीं आती आपको? मेनका गांधी को पता चला ना, जुलूस निकालेगी। बात तो सही है। बोले क्या करना चाहिए? तो बेटा उतर गया, बाप बैठा रहा। अगला गांव आया, सारे लोग खुश फुस 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 करने लगे। बोले अब क्या हो गया? तो एक आदमी बोलता है, बोलता देखो कितना निकम्मा बाप है, बेटा चल रहा है और बाप बेशर्म जैसे ऊपर बैठा हुआ है। बोले ये भी तो बात सही है। तो उन्होंने उल्टी पुल्टी कर डाला, अब बेटा ऊपर बैठ गया, बाप चल रहा है। अगला गांव आया, सारे लोग फुस फुस करने लग गए। अरे अब क्या हो गया? बोला कितना निकम्मा बेटा, कितना निकम्मा है, नौजवान बेटा ऊपर चढ़ के बैठा है और बाप चल रहा है, शर्म नहीं आता बेटे को? अब दोनों नीचे उतर गए, कंफ्यूज हो गए, करे क्या अभी इसका। तो दोनों ने क्या किया मालूम है? वो टट्टू को उल्टा किया, एक लकड़े से बांधा, उसको उठा के अभी दोनों जा रहे। लोगों की बात मानोगे तो लोग हंसेगी, दुनिया ही हंसेगी। इसके लिए दुनिया का ये सबसे बड़ा जो रोग है ना, उस रोग को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को, राइट।